हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं सतना से निकल आई हूँ और रास्ते में पहुँच गई हूँ, उचहरा आ गई हूँ, जबलपुर जा रही हूँ। पीछे एक ये मिडवे ट्रीट पड़ा तो यहाँ चाय वगैरह थोड़ा सा पी लेंगे। सतना में जो भागवत एक हफ्ते से चल रही थी, कल उसका पूर्णाहुति हो गई है और आज भंडारा हो रहा था, तो हम लोग बस लंच किए, भंडारे का प्रसाद ग्रहण किए और सतना से निकल आए हैं। सबको बहुत बुरा लगा, मुझे भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं एक हफ्ते से वहाँ डेली ऐसे रूटीन में रह रही थी ना, और बहुत सारे लोगों से मेरी इस बार मुलाकात हुई। खास मैं इसलिए भी आई थी पहले से ही कि मैं जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं सबसे मैं मिल सकूँ, जैसे बुआ जी हो गई, मेरी बड़ी अम्मा हो गई, और भी बहुत सारी भाभियाँ थीं। तो जो परिवार था ना, परिवार के बहुत ही पुराने, जिससे मैं 30-35 साल से नहीं मिली थी, उनसे भी मिली मैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कार से ये आ गए थे और हम लोग अब बस निकल पड़े थे, करीबन 4 बजे निकल गए थे। ये मिडवे ट्रीट पड़ा है रास्ते में, तो सिर थोड़ा सा भारी सा हो रहा है, तो अभी बस यहाँ चाय पियेंगे। क्या बढ़िया चाय, हम देख के चाय जान जाते कैसी चाय। पहुंचने वाले हैं और टाइम हो गया है 7:45 और रास्ते में ही शुभ ढाबा है, तो सोचा यहीं से डिनर करके जाएं, क्योंकि घर में जाकर के तो बना ही नहीं सकते, और कहीं से रोड ट्रिप में आओ ना तो ढाबा में खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ डिनर करेंगे और ज़्यादा नहीं दूर बचा है, 30 या 35 किलोमीटर बचा हुआ है जबलपुर, तो बस चलिए देखते हैं यहाँ क्या खाना है। ऐसे एक खाट पड़ी हुई है ना, इसमें बहुत मज़ा आता है खाना खाने में। सब्जी में क्या, सब्जी क्या, अरे नॉर्मल सब्जी लो भाई। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, कल से बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, तो मैंने स्वेटर पहन ली है और यहीं बाहर बैठे हुए हैं। श्रेय जी दवाई खिलाइए, आओ एक सेल्फी ले। फ्राइड दाल, ये किसकी सब्जी है? सेव टमाटर। ये तुम लोग कहाँ से सीखे हो सब्जी खाना? ग्वालियर से। सृष्टि भी खाती है? मैं ग्वालियर खूब खा रहा था भाई, मेरे को तो नहीं सब्जी अच्छी लगती, उस दिन खाई थी ना, खा के बताओ कैसा टेस्ट है। अमरूद की चटनी सच में बहुत अच्छी लगी। ये तंदूरी रोटी ना यहाँ ढाबे के मैंने देखा है, ये बहुत पतली बनती है ना, उस दिन भी अपन गए थे तो कितनी अच्छी थी, खींचती नहीं है, मैदा नहीं रहता इनमें ना, क्या प्योर आटे की रोटी बनती है ये। बड़ी चम्मच नहीं है, चलो यही दे दो, यही दे दीजिए आप, बस हो गया। रख दो इसमें, चटनी बहुत अच्छी है, बढ़िया चटनी बनाई है, थोड़ी सी बस। और नहीं बस। मस्त डिनर हो गया, मजा आया खाना खा के? अरे बहुत मजा आ गया, चलो बहुत मजा आया। चलो हम लोग की जर्नी फिर से शुरू हो गई है और जबलपुर बस आने वाला है। हवा में इतने सारे ट्रक खड़े हैं, ये सब ट्रक्स हैं। अब मैं यहीं ब्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि अब जैसे ही घर पहुँचेंगे बहुत बिजी हो जाऊँगी, तो अब मैं आगे ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, तो यहीं मैं अब ब्लॉग को एंड करती हूँ। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।